गाइस, टुडे वी अगेन बैक विद अवर सीरीज और विद अवर चैनल ज्ञान पोर्टल। और दोस्तों, आपका ज्ञान पोर्टल आज फिर से आ गया है एक नई चीज़ को स्टार्ट करने, जो हम करने वाले हैं हमारा यार ए टू जेड डीएसए कोर्स, कि आखिर हमें डीएसए पे कैसे अपनी पकड़ बनानी है, हाउ वी अचीव अवर गोल्स। एंड दिस कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज फॉर अवर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड फॉर अवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर अवर एनी कोडिंग चैलेंजेस। So guys, this is for undergraduate persons. This course is for undergraduate, not only for undergraduate in IIT, NITs, but also in every college. Because this is our basic and we have to learn about our basic. And there is around 20 steps in this course. And today we are with our first step. And the first step is learn about our basic. As you, first of all, we go with this video, I have to make sure that you must subscribe this channel and you must like this video, because it's more important that you can with us, because it is required guys, not because we want it, is for you bro. तो ये सब आपके लिए, आपको समझने की जरूरत है कि आपको क्या चाहिए, and this is your thing. आप चाहे हाई लेवल कोडिंग करना चाहते हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे आप मीडियम लेवल हो, लेकिन यार आपको अगर C++ के बारे में ढंग से नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में जाना मत, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और एक बात कहते हैं ना यार, अगर आपको डिग करना है डेप्थ तक, तो सबसे पहले आपको सरफेस को हटाना पड़ेगा, सरफेस को खोदना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस की मिट्टी ही जो है तगड़ी होती है गाइस, ठोस सरफेस की मिट्टी होती है। तो सरफेस हमारा क्या है, C++, उसके अराउंड ही सारी कोडिंग है। तो हम आज जो है सरफेस के बारे में बात करने वाले हैं, C++ कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं आपके चैनल ज्ञान पोर्टल के साथ। और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट सीरीज को लेकर, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। आज हम इनपुट आउटपुट के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे C++ का एक बेसिक स्केलेटन होता है, कैसे हम उसमें इनपुट आउटपुट लेते हैं और कैसे हम जो है चीज़ों को लेके प्रोसेस्ड करते हैं। तो कहीं मत जाइए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यार वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और तो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम कैसे चलते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड पर। हमने अपना VS कोड खोल लिया है, आप लोग भी अपना अपना जो है VS कोड पहले इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के लिए आप वीडियो ज़रूर वॉच करिए इंस्टॉल करने की, क्योंकि VS कोड में आपको अगर C++ के साथ वर्क करना है तो आपको दो एक्सटेंशंस इसमें डाउनलोड करनी पड़ती है VS कोड के बाद। एक आपका होता है C एंड C++, और एक आपका होता है कोड रनर। और कोड रनर को आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है सेटिंग्स में जाकर टर्मिनल में कोड को रन करने के लिए आपको इनेबल करना पड़ता है। तो उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखिए इसकी। और हम बिगिन करते हैं कि आखिर हम आज जो है, तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने एक फोल्डर बना लिया यार, एक अलग फाइल बना लीजिए इसके लिए, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अलग फाइल की। तो इसको मैं जो है रीनेम कर लेता हूँ इस फाइल को, क्योंकि ये हमारा न्यू फोल्डर तो यार नाम नहीं होएगा ना, नाम तो कुछ अच्छा देना पड़ेगा ना, जब ही तो लगेगा ना क्लासिक्स है यार कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको हम दे देते हैं A to Z कोर्स, ठीक है। तो ये मैं ओके, तो यहाँ से नहीं होगा क्योंकि हमने VS कोड में खोल रखा है इसे। दो मिनट में अपना VS कोड बंद करता हूँ। अभी देख रहे हैं आपके साथ यार, मैं भी इस कोर्स को कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद देखो कि मेरा भी अभी जो खाली पड़ा है, मैं रोज़ाना आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो यार इसको जरूर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यार ये सब आपके लिए हो रहा है और आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ यार, तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोनों साथ में सीखने वाले हैं भाई भाई। तो रोज़ चीज़ों को लेके करते हैं और कुछ अच्छा सब बनाते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम जो है फोल्डर अपना ओपन कर लेते हैं, जो मेरा फोल्डर पड़ा है डेस्कटॉप पे A to Z कोर्स का, ठीक है। और इस A to Z कोर्स के साथ हमने जो है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम अपना फर्दर जो है बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यार कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भी चीज़ें ना रह जाए। तो सबसे पहले हमने बनाया लर्न बेसिक, हम लर्न बेसिक करने वाले हैं इसमें। और लर्न बेसिक हम किसके बारे में करने वाले हैं, C++ के बारे में, जैसे हमने बताया। तो आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में। तो इसका मैं फाइल का नाम भी जो है दे देता हूँ, IO CP, ठीक है।
तो इसका मैंने इस तरीके से इसे जो हम सेव कर लेते हैं। और अब इसमें हम बात करेंगे कि फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटन ऑफ द इनपुट आउटपुट प्रोग्राम कि हाउ वी डू दीज थिंग्स लाइक हाउ वी राइट अवर कोड इन सी प्लस प्लस एंड फॉर दैट वी नीड अवर अ स्केलेटन एंड फॉर दैट स्केलेटन वी यूज द बेसिक लाइब्रेरीज गाइज इन सी यू हैव सम बेसिक लाइब्रेरीज लाइक एंड यू हैव टू इंक्लूड their path by hash include and this is like this hash include iostream. Iostream is a library which enables and which give us a requiring libraries and furthering functions which we require to make this program successfully runnable. So such like these libraries, there are many other libraries like for math input functions we have hash include math library math dot h. There is for string function there is a string library. So like this we have required to include these paths, but we not needed in the in this basic input output program. So we start with it. And we can say that ki we require basic hash include iostream for the library. Don't go like why sir why we use this library. Don't think that much because I said now before doing the thing deep you have to understand the basic level. So think just like basic skeleton. This is a basic skeleton of CPP in which you have write the, your logic and you have write your codes. And before going to logic we have learned about these things which is very crucial part of the course. Like there is a int main function. Int main function is basic function in which all our program is run as execution goes on goes from this thing. And last we have to return because we have take a input we have take int as our data type. That's why we return 0 because it is an integer and we have to return integer. This is a generic skeleton of C++. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये generic skeleton हमने discuss करा है कि ये basically generic है. अब इसके बाद जो major हमें discuss करना है input output इसमें कैसे होना है. Input output इसमें कैसे होगा guys? Input output इसमें होएगा हमारा basically हमें क्या करना होता है, हमें करना है C out hey ज्ञान portal. क्या ये जो है कर देगा? नो. फॉर दैट सी आउट टू बी वर्क वी हैव देयर इज समथिंग कॉल्ड एसटीडी एंड एसटीडी कॉलन कॉलन. देयर इज एसटीडी कॉलन कॉलन एंड आफ्टर दिस वी हैव टू सेव दिस एंड वी रन इन द टर्मिनल. एज यू सी देयर इज अ टर्मिनल एंड अवर देयर इज प्रिंटेड. आई जूम द स्क्रीन. हाई ज्ञान पोर्टल. तो लाइक दिस वे इट्स शोन टू यू कि लाइक इट इज़ विजिबल इन योर स्क्रीन. नाउ वी सी लाइक अगेन वी राइट सिमिलर थिंग एस टी डी कॉलन कॉलन सी आउट हे ज्ञान पोर्टल एंड नाउ वी राइट द थिंग्स इन स्मॉल लेटर्स and we run again and as you see there is our input and we see it is on the same line but we write the code in the different line. Now you have think and you must have think ki why it happens. Aisa kyun hua ki bhai ye alag line mein aa gaya jabki humne to jo hai dono ko same line mein likha hai. Matlab alag alag line mein likha hai lekin niche same line mein hai. So this is our basic syntax and for if we want in different line we use and now we say and as you see there is another line. So for different line we require slash and n. यह हमारा command करता है for another line. Does there is any other thing we require any other
alternative for this? Yes, you have any other alternative like use std endl. And as you see, now your code also works. So in this way, you have to write like if you require, you can write again gap again. Hey, and then you again print it. And as you see, now what is our output? As you see, we give the gap. There is a gap. Hey. But in another line there is no gap and there is no space, that's why hey and that hey is coincide with it. So this shows the basic thing. Now there is something in your mind like why we use std. Like std is a basic library and for to lag raha hoga na yaar bar bar std use karenge kya har function ke liye sir. No yaar, har function ke liye std use karne ki zarurat nahi hai. आप क्या करो, सिंपली हम क्या करेंगे हम अपना बेसिक सिंटैक्स में यूजिंग नेम स्पेस की हर जगह जहां पे भी मेरा कोई आता है वहां पे नेम स्पेस लगा दो एसटीडी. अब हमने क्या करा, ग्लोबली एसटीडी को वो कर दिया. अब हमें एसटीडी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है सी आउट सी इन पे. तो सी आउट किस लिए होता है? सी आउट हमारा प्रिंट कराने के लिए होता है, कोई भी चीज को प्रिंट करवाने. देखिए प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे कमेंट कर दें और अब मैं चलाता हूँ तो क्या होगा? अगर मैंने इसे हाइड कर दिया, एज यू सी आई डी रिटर्न हो गई हमारी. ठीक है, तो ये हमारा हुआ. अब हम चलते हैं कि ये तो हुई बेसिक इनपुट की बात. नाउ वी फॉर इनपुट वी यूज सिन एस सी आई एन और हमारे जो है लेसर देन साइंस आएंगे एंड देन वी मेक अ वेरिएबल लाइक वी यूज सिन. And we use cout. Cout what? This is a numerical value x. और ये हमने लगा दिए इसमें बेसिक. वैन भी मुझे इसलिए ही बी एस कोड बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, क्योंकि यार इसमें जो है ना एरर्स आपको जो है बता देता है कि कौन सी लाइन में कौन सी एरर, क्या एरर आपने कर दी है. जैसे मैंने अभी गलती से सेमी कॉलन छोड़ दिया था, तो अब इसने क्या करा, अब इसलिए यहाँ पे आपको आप इनपुट करवाइए. जैसे मैंने करवाया 45 और देखिए आगे वैल्यू, दिस इज़ अ न्यूमेरिकल एक्स वैल्यू दिस. एंड अगर मैं फिर से अब चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो दो वेरिएबल बना देता हूँ. दो वेरिएबल बना दिए तो दो बार इनपुट मैंने दे दिया, दो बार इनपुट दे दिया लाइक वी यूज एंड वाई एंड नाउ वी गिव टू वैल्यूज लाइक 5 और 10. दिस इज अवर न्यूमेरिकल एक्स वैल्यू दिस वाई दिस. तो दिस इज अवर बेसिक इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट. एंड इफ यू नॉट अंडरस्टैंड मच अब देन डोंट गो एनी अदर वे, जस्ट डू द प्रैक्टिस एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ वी इनपुट आउटपुट. फॉर द बिगिनर्स इट इज़ मोर नेसेसरी, डू द प्रैक्टिस. एंड फॉर मीडियम लेवल और फॉर हार्ड लेवल पर्सन आई मस्ट से जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स एंड कीप अवर चैनल सब्सक्राइब एंड डू योर बेस्ट. एंड गाइस फिर से मिलते हैं ज्ञान पोर्टल के साथ एंड फिर से ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ कि हमें लर्न बेसिक में और नेक्स्ट हमें क्या सीखना है उसको ही लेके मैं आने वाला हूँ. तो मिलते हैं फिर से. आई होप यू लाइक इट. लेट्स सब्सक्राइब.